जिंदगी जब कभी आपको रुकी हुई सी नजर आने लगे ना, तो चुपचाप अपने पास वाले बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर जाइए और एक गाड़ी पकड़कर किसी नए सफर पर निकल जाइए। तो स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। और अभी हम हैं हटिया नेशनल हाईवे पर, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये इधर इधर रोड इलाहाबाद की तरफ जाता है और इस तरफ आप कैमरे में देख सकते हैं, इस तरफ आपको मिर्जापुर जाएंगे। और अभी हम लोग मिर्जापुर जा रहे हैं और अभी हम नेशनल हाईवे से यहाँ से जाएंगे मिर्जापुर और फिर हम आपको हाईवे का पूरा व्यू दिखाते हैं कैसा है। तो अभी हम लोग हटिया के नेशनल हाईवे पर हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बजरंग बली का बहुत ही बड़ा स्तंभ बना हुआ है, यहाँ पे बजरंग बली अपना बना लेकर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये नेशनल हाईवे का व्यू है हटिया का, ये क्षेत्र हटिया में है अभी हम लोग। और यहाँ से हम लोग जाएंगे गोपीगंज यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। तो आप सफर का मजा लीजिए। और आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है, यहाँ से गोपीगंज 25 किलोमीटर है। तो हम चलते हैं आगे और सामने आप देख सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है। पता जब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें एक साथ हो ना, रिश्ते दर्द दे रहे हो, मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हो और पता नहीं क्या क्या, तब ना गाड़ी उठाओ, चाबी घुमाओ और निकल जाओ, पता नहीं कहां पर निकल जाओ। खुद से बातें करोगे, खुद के ख्यालों में खोए रहोगे और लोगों को देखोगे, रास्ते को चुनोगे और मस्त हो जाओगे। मैं तो ऐसा करता हूँ, आपका पता नहीं। चलता हूँ, मिलूंगा फिर किसी अलग रास्ते पे। मुसाफिर होगा रो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जा। और यहाँ से आप देख सकते हैं रोड से बगल का व्यू कितना हरा भरा है और खेतों में हरियाली ही हरियाली है। और हम बस कुछ ही देर में बरौल पहुँचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम बरौल पहुंच चुके हैं और यहाँ से गोपीगंज को लिखा है 18 किलोमीटर। तो गोपीगंज यहाँ से 18 किलोमीटर अभी और बचा है, तो हम आपको ले चलते हैं गोपीगंज। अब आपको और भी सुंदर नजारा देखने को मिलेगा, चारों तरफ हरियाली आप देख सकते हैं कैमरे में और कितना ही हरा भरा खेत है। तो फ्रेंड्स हम फ्लाईओवर से गोपीगंज क्रॉस कर चुके हैं, ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण हम आपको मार्केट का व्यू नहीं दिखा पाए। और फ्रेंड्स हम यहां से सीधा एंटर करेंगे मिर्जापुर वाली रोड पे, तो हम चलते हैं आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मिर्जापुर रोड पे एंटर कर चुके हैं और यहाँ बोर्ड में भी देख सकते हैं आप कि मिर्जापुर 12 किलोमीटर और बचा है बस। तो फ्रेंड्स हम अपने सफर को सुहाना बनाते हुए आगे की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं सामने स्कूल से बच्चों की छुट्टी हो गई है और रोड पे काफी ज्यादा ट्रैफिक आपको आगे देखने को मिलेगा। और अब आपको यहाँ से कुछ दूर तक ऐसे भी देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा लड़के हैं यहाँ पे रोड पे और बीचे बीच ये रोड पे आ जा रहे हैं, देखिए कोई बगल नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे भीड़ खत्म नहीं हुआ है, भीड़ और भी है आगे। तो अभी आप देख सकते हैं हम ये
मिर्जापुर के नदी के इस पार है और सामने आपको रास्ता दिख रहा है यहाँ से। तो फ्रेंड्स सामने आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है और यहाँ से मिर्जापुर ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ ब्रिज क्रॉस करने के बाद मिर्जापुर में हम इंटर कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करें और यहाँ से मिर्जापुर सिर्फ 2 किलोमीटर और बचा है, जिसमें से 1 किलोमीटर की दूरी तो हम पुल पर तय करेंगे और ये पुल का नज़ारा बहुत ही सुंदर होने वाला है और ये गंगा नदी यहाँ से बहती है। आपको गंगा नदी का ये दृश्य देखने को मिलेगा आगे बस कुछ ही सेकेंडों में। और अब आप यहां से गंगा नदी देख सकते हैं और गंगा नदी का लुफ्त उठा सकते हैं, तो कितना ही सुंदर नज़ारा है गंगा नदी का। और गंगा नदी को हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी कहा गया है और गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है और गंगा नदी देवप्रयाग से निकलती है और बंगाल की खाड़ियों में विलुप्त होती है। और अभी आप चारों तरफ के व्यू का मनोरंजन ले सकते हैं, कितना ही सुंदर दृश्य है गंगा नदी का। और ये बाढ़ के कारण ये पानी आपको गंदा दिखाई दे रहा है, नहीं तो पानी बहुत साफ था गंगा नदी का। और ये अब हम गंगा नदी क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से आगे आपको मिर्जापुर का गेट दिखाई दे रहा है। तो हम पहुँच गए हैं मिर्जापुर और यहाँ से मिर्जापुर के बाद का व्लॉग आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।